नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ में छोले की बहुत ही इजी, सिंपल, टेस्टी और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी जो झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो जुड़े रहिएगा, चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पर एक कटोरी छोले मैंने रात में ही पानी में भिगो के रख दिए थे। इन्हें काबुली चना भी कहा जाता है और ये हर ग्रोसरी शॉप या पंसारी की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें पहले 3 से 4 बार पानी से वॉश कर लिया था, उसके बाद रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर कुकर लेंगे और इसमें इन छोलों को पानी समेत ही डाल देंगे। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने बिना धोए ही छोलों को भिगोया था तो अभी 3 से 4 बार पहले पानी से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद अलग से पानी डालिएगा। अब नमक स्वादानुसार डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। कुछ खड़े मसाले भी अभी ऐड करेंगे, जैसे कि 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री, 1 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। उबलते समय इन्हें डाल देते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी ले लेंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पानी का लेवल 3 से 4 अंगुल ऊपर ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा ना डालिएगा। अब देखिए, कुकर में सीटी हो चुकी है, कुकर ठंडा हो चुका है। मैंने कुकर के ढक्कन को खोला और कितने बढ़िया हमारे छोले उबल चुके हैं। मैं आपको एक हाथ से मैश करके भी दिखाती हूँ। देखिए, बहुत आसानी से ये मसल जा रहा है, यानी कि बहुत बढ़िया पक चुके हैं। अब इसको एक साइड में रखेंगे। एक कढ़ाई ली, उसमें 3 टेबलस्पून लगभग रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म होगा उसमें 1/2 चम्मच मस्टर्ड सीड्स और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। इनको अच्छे तरीके से पहले तड़कने देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 से 5 लहसुन, 1/2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च को फाइनली चॉप करके रखा था, इन्हें डाल देंगे। इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। ध्यान रखिएगा, इसका कलर बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है। लहसुन अदरक मिर्ची भून चुके हैं। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने बारीक चॉप करके रखे थे, इन्हें डाल देंगे। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। पर मसाले को पीसिएगा नहीं, वरना टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ये देखिए, बहुत बढ़िया हमारा प्याज भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, साथ में 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1/2 चम्मच इसमें मैंने काला नमक डाला है, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ा सा हम भूनेंगे और इमीडिएट इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल देंगे, क्योंकि ये जो सूखे मसाले हैं पानी डालने से बहुत अच्छे फूल जाते हैं, उसके बाद बहुत ही बढ़िया भुन जाते हैं और कलर बहुत अच्छा आ जाता है मसाले का। तो ये देखिए, इसने तेल छोड़ दिया है, मसाले भुन चुके हैं, बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है मसाले का। अब इसमें यहाँ पर डालेंगे हम 2 टमाटर की प्यूरी। तो सिंपल, मैंने 2 बड़े टमाटर मिक्सी में पीस लिए थे, उन्हें डाल दिया। साथ में 1/2 चम्मच चाट मसाला भी डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन छोलों में। और बस इसको अब मीडियम फ्लेम पर हम तेल छोड़ने तक भूनेंगे। तो बीच बीच में चलाते रहिएगा या रुक रुक के चलाइएगा। तो ये देखिए, हमारा मसाला बहुत बढ़िया तेल रिलीज कर चुका है, बहुत ही बढ़िया भून चुका है, कलर बहुत अच्छा आ चुका है। और अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर ये छोले, उबले हुए छोले, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बढ़िया गाढ़ी सी बने। तो लगभग 1 चम्मच मैंने इसमें उबले हुए छोले डाल दिए हैं, जिससे कि ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो छोले मसाले के हम दोबारा से कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। मसाला हमारा बहुत बढ़िया भून चुका है और अब इसमें हम डाल देंगे हमारे ये सारे के सारे उबले हुए छोले। तो मैंने यहाँ पर खड़े मसाले नहीं बाहर निकाले हैं, आप चाहें तो इस स्टेज में खड़े मसाले बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद छोलों को इसमें डाल सकते हैं। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम लास्ट में डालेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने कसूरी मेथी इस तरीके से हाथों से क्रश करके डाली है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट इन छोलों का यहाँ पर डालेंगे अनारदाना पाउडर। तो इसे घर में पीसिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्रेश अनारदाना पाउडर होगा तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने अनारदाना पाउडर डाला है। अगर अनारदाना पाउडर नहीं है तो ऐसा छोले मसाला लीजिएगा जिसमें कि अनारदाना पाउडर हो, तब बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब ग्रेवी मुझे गाढ़ी लग रही थी तो इसमें लगभग 1/2 ग्लास मैंने उबला हुआ पानी डाला है। तो ध्यान रखिएगा, ठंडा पानी ना डालिएगा वरना सब्जी का स्वाद बिगड़ सकता है। उबला हुआ पानी डालेंगे। अब थिकनेस आप ग्रेवी के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने खटाई के लिए इमली का पल्प डाला है, आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर इमली का जो टेस्ट आता है बहुत अच्छा आता है छोलों में। अब ढक्कन को लगा देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए, लगभग 7 मिनट के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और ढक्कन को खोला और ये देखिए कितना शानदार कलर आया है हमारे छोलों का, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। यहाँ पर एंड में डालेंगे 3/4 चम्मच छोले मसाला और खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती। बस हमारे छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, हमारे चटपटे, मसालेदार और बहुत ही टेस्टी छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। कलर तो देखिए कितना गजब का आया है और स्वाद भी बहुत ही जबरदस्त है। आप इन्हें जीरा राइस, रोटी, चपाती, पराठा,
कुलचा, भटूरा जिसके साथ में भी एंजॉय करना चाहते हैं उसके साथ भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।